हेलो दोस्तों, तो OnePlus ने लॉन्च कर दिया अपना मच अवेटेड फोन OnePlus Nord 2 और काफी ज्यादा अमेजिंग फीचर्स है दोस्तों और प्राइसिंग भी काफी ज्यादा एग्रेसिव रखी है इसकी। बेसिकली 2799 से स्टार्ट होता है 6GB 128GB वाला वेरिएंट, लेकिन यहां पे मार्केटिंग टीम बहुत अच्छे से खेल गई है दोस्तों, क्योंकि जो बेस वेरिएंट है OnePlus ने ये बता दिया कि वो बहुत ही लिमिटेड एडिशन है, बहुत कम मिलेगा। पता नहीं आपको शायद मिल भी पाए या नहीं वो, क्योंकि आप Amazon की साइट पे भी जाएंगे तो जो लिस्ट हुआ है वो 8GB 128GB वाला लिस्ट हुआ है 2999 का। सो सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हाँ, हम लोगों ने लॉन्च किया है 28,000 का एक फोन, इसके लिए मार्केटिंग टीम ने बहुत अच्छा काम यहाँ पे किया है। तो दोस्तों, हम आज OnePlus Nord 2 के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या उसके फीचर्स हैं और इसको कंपेयर करने वाले हैं Realme X7 Max के साथ, और एंड में हम आपको बताएंगे कि क्या आपको OnePlus Nord 2 लेना चाहिए Realme X7 Max के ऊपर, क्योंकि 3,000 का डिफरेंस है दोस्तों। जो Realme X7 Max का 8GB वेरिएंट है वो 27,000 का आता है और OnePlus Nord 2 का 30,000 आता है, तो वो एडिशनल 3,000 आपको डालने चाहिए या नहीं, ये हम पूरा इस वीडियो में आपको दोस्तों बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले इनके डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं दोस्तों। जो OnePlus Nord 2 है उसमें आपको मिल जाता है गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन, और जो उसका बैक पैनल है उसमें भी आपको AG ग्लास दोस्तों देखने मिलता है। वेयर एज आपको जो Realme X7 Max है उसमें ड्रैगन टेल का प्रोटेक्शन मिलता है ग्लास पे, और बैक जो है उसका वो पॉलीकार्बन बैक है, वहां पे आपको कोई ग्लास देखने नहीं मिलता है। जो ड्रैगन टेल है वो भी गोरिल्ला ग्लास जैसा ही है, लेकिन हाँ, मार्केट में भी गोरिल्ला ग्लास स्टेब्लिश्ड है और काफी ज्यादा बेटर है ड्रैगन टेल से। और दोनों में आपको साइड्स में मेटल फिनिश देखने मिल जाती है, और जो इसका वेट है दोस्तों वो OnePlus Nord 2 का कुछ 189 ग्राम्स है, वेयर एज आपका जो Realme X7 Max है उसका कुछ 179 ग्राम्स का वेट आपको मिल जाएगा। और दोनों का ही जो बैक है दोस्तों वो 2.5D कर्व है, तो वहां पे दोनों का लुक आपको सिमिलर देखने मिल जाएगा। और अगर मैं दोस्तों इसकी स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बात करूं तो दोनों में आपको 91% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने मिल जाता है। ओवरऑल अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो दोस्तों OnePlus Nord 2 काफी ज्यादा प्रीमियम दिखता है बिकॉज ऑफ द ग्लास बैक, और वेयर इज Realme X7 Max में पॉलीकार्बन बैक यूज किया गया तो उतना प्रीमियम वो आपको देखने नहीं मिलेगा। इन हैंड फील जो है दोस्तों, अगर आप एक पकड़ेंगे तो आपको एक फ्लैगशिप लेवल का फील देगा OnePlus Nord 2। अगर डिस्प्ले की बात करें तो दोस्तों दोनों में आपको 6.43 इंच का फुल HD प्लस AMOLED स्क्रीन का डिस्प्ले देखने मिल जाता है, लेकिन जो OnePlus Nord 2 है उसमें दोस्तों 90Hz का रिफ्रेश रेट है, वेयर इज जो Realme X7 Max है उसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट है। रिफ्रेश रेट बेसिकली होता क्या है वो थोड़ा सा समझते हैं दोस्तों। 120Hz का रिफ्रेश रेट दोस्तों कब काम आता है, जब आपके वीडियोज वगैरह 120Hz को सपोर्ट करते हो, लेकिन आज के डेट में मार्केट में 120Hz को सपोर्ट करने वाले काफी ज्यादा वीडियोस हैं नहीं, तो 90Hz वहां पे दोस्तों सफिशिएंट रहता है। लेकिन ये बहुत बड़ा मार्केटिंग गिमिक है, मैं आपको बताता हूं दोस्तों, 120Hz या 90Hz आपको नहीं देखना चाहिए लेने से पहले, आपको देखना चाहिए कि इसका टच सैंपलिंग रेट कितना है, क्योंकि वही एक आम आदमी के या लेमैन लैंग्वेज में बोलूं तो वही एक आपको काम आता है। टच सैंपलिंग रेट बेसिकली होता है कि आपका टच कितनी जल्दी फंक्शन करता है, कितना फास्ट फंक्शन करेगा, वही आपको गेमिंग या वीडियोज वगैरह देखने के टाइम काम आएगा। OnePlus Nord 2 का टच सैंपलिंग रेट अभी बाहर नहीं आया, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ 180Hz के आसपास रहेगा, वेयर एज जो Realme X7 Max है दोस्तों उसका टच सैंपलिंग रेट 360Hz है, तो डबल का फर्क है, और यहाँ पे Realme X7 Max बहुत बड़ा जंप लेता है OnePlus Nord 2 के मुकाबले, क्योंकि आपका जो डे टू डे एक्सपीरियंस होने वाला है दोस्तों वो काफी ज्यादा बेटर रहेगा Realme X7 Max में बिकॉज ऑफ दिस टच सैंपलिंग रेट। तो यहाँ पे क्लियर विनर मैं आपको बोल सकता हूँ कि Realme X7 Max एक क्लियर विनर है OnePlus Nord 2 के आगे। और अब अगर इसके ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेसर की बात करें तो दोस्तों दोनों में ही आपको मीडियाटेक का डायमेंसिटी 1200 प्रोसेसर देखने मिलता है, जो कि मीडियाटेक का सबसे हाई एंड प्रोसेसर अवेलेबल है आज की डेट में। लेकिन जो Nord 2 है वो ये क्लेम करता है कि उसका प्रोसेसर काफी बेटर है बिकॉज उसने कुछ AI टेक्नोलॉजी यूज की है। दोस्तों वंस अगेन ये एक मार्केटिंग गेमिंग हो सकता है, मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा फर्क पड़ने वाला है कि AI टेक्नोलॉजी यूज करने से। फिलहाल के लिए मैं दोनों को सिमिलर लेवल पे रखता हूं, और जो इसमें एंड्रॉइड का वर्जन है वो दोस्तों 11 आपको देखने मिल जाएगा, वेरेज OnePlus में आपको ऑक्सीजन OS 11.3 मिलता है, और वहीं पे आपको जो Realme में यूजर इंटरफेस मिलेगा वो Realme UI वर्जन 2 मिलेगा। ये अब दोस्तों पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर है कि आपको कौन सा इंटरफेस पसंद है। मैं वैसे Realme का फोन यूज करता हूं, लेकिन मुझे OnePlus का इंटरफेस ज्यादा पसंद आया था, तो मेरे पर्सनल चॉइस की बात करूं तो मुझे OnePlus का ऑक्सीजन OS ज्यादा पसंद है। अब बात कर लेते हैं दोनों के कैमरे की, जहां पे दोस्तों OnePlus Nord 2 क्लियर विनर आता है Realme X7 के आगे, वो हम बताते हैं क्यों। सबसे पहले तो दोस्तों Nord 2 में आपको फ्रंट कैमरा मिलता है 32 मेगापिक्सल का, वेयर एज Realme में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का। अब रियर कैमरे की अगर बात करें तो दोस्तों Realme में आपको दोनों में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है, जहां पे Realme में आपको मिलता है 64 मेगापिक्सल का सोनी का प्राइमरी सेंसर,
और EIS इसमें है दोस्तों, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन इसमें आपको नहीं मिलेगा। वहीं Note 2 में आपको दोस्तों मिलता है 50 मेगापिक्सल का सोनी का प्राइमरी सेंसर और ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन इसमें आपको मिल जाता है। अब आप बोलेंगे कि Realme का 64 मेगापिक्सल है तो वो कैसे पीछे हो गया और OnePlus Nord 2 कैसे आगे हो गया। सो दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको मेगापिक्सल्स नहीं देखने चाहिए। मैं बताता हूँ कि जो 50 मेगापिक्सल का है दोस्तों, उसमें जो सेंसर है वो IMX766 है, जो कि फ्लैगशिप लेवल का सेंसर है और बहुत सारे फ्लैगशिप लेवल के फोन में ये आता है। तो भले ही ऑन पेपर 50 मेगापिक्सल है, लेकिन फिर भी Realme के 64 मेगापिक्सल से काफी ज्यादा बेटर है। दोनों में ही सोनी का सेंसर है, लेकिन जो 50 OnePlus Nord 2 में जो सेंसर यूज किया गया है दोस्तों, वो हाई एंड का सेंसर है और काफी ज्यादा बेटर फोटोज आपके वो निकालेगा। सो इस कैमरे के मामले में दोस्तों क्लियर विनर जो है OnePlus Nord 2 है। दोनों में ही आप 4K वीडियोस ले सकते हैं, लेकिन फ्रंट में दोनों में ही आपको अभी 4K वीडियोस का ऑप्शन नहीं है। ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है Nord के हिसाब से, बिकॉज OnePlus Nord जो था उसमें फ्रंट कैमरा में आप 4K वीडियोस ले सकते थे, लेकिन फिलहाल आप OnePlus Nord 2 में फ्रंट कैमरा से 4K वीडियोस नहीं ले सकते। हो सकता है आगे अपडेट में आपको मिल जाए, बट आज की डेट में दोनों में ही आपको फ्रंट में 4K वीडियोस नहीं मिलते हैं। और अगर आप बैटरी की बात करें तो दोस्तों दोनों में आपको 4500 mAh की बैटरी मिलती है, लेकिन जो OnePlus Nord 2 है उसमें आपको 65 वॉट का वॉप चार्जर मिलता है, जो कि एक नई टेक्नोलॉजी है। और OnePlus ये क्लेम करता है कि वो 15 मिनट में आपको फुल डे का चार्ज दे देगा, वेरेज जो Realme X7 Max है दोस्तों उसमें आपको मिलता है 50 वॉट का सुपर डार्ट चार्जर, जिसमें आपको 45 मिनट्स में 0 to 100% का सुपर चार्ज मिल जाता है। और अगर दोस्तों दोनों के कॉमन पॉइंट्स की बात करें तो दोनों में आपको डुअल 5G का सपोर्ट मिल जाता है, डुअल नैनो सिम मिल जाता है और दोनों में ही डुअल स्पीकर्स यूज किए गए हैं, तो दोनों का ऑडियो परफॉर्मेंस वगैरह सब बराबर रहने वाला है। सो दोस्तों ये था दोनों ही फोन्स का कंपैरिजन, हमने सारे मेजर पॉइंट्स इसमें इंक्लूड कर लिए हैं, माइनर पॉइंट्स हमने छोड़ दिए, अदरवाइज वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। सो बेसिकली आपको एक फोन लेने से पहले जो भी पॉइंट्स देखने चाहिए वो हमने इसमें इंक्लूड कर लिए हैं। सो अब बात यही है, हाँ एक पॉइंट मैं बताना भूल गया कि इसमें जो Realme X7 Max है उसमें आपको दोस्तों 3.5 mm का जैक मिलता है, वेरस Nord 2 में आपको वो नहीं मिलेगा। सो अब बात घूम फिर के यही आते कि कौन सा फोन फाइनली हमको लेना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि OnePlus कहाँ पे Realme X7 से जीत जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों कैमरा। सो अगर आप एक कैमरा सेंट्रिक फोन लेना चाहते हैं जिसमें आपको मतलब बेस्ट कैमरा चाहिए, तो आप आग बंद करके Nord 2 ले लीजिए, क्योंकि सबसे बेस्ट कैमरा आपको इस प्राइस रेंज में इसी फोन में मिलेगा दोस्तों। फ्लैगशिप लेवल का कैमरा यूज किया गया, बहुत अच्छे आपको फोटोज इसमें दोस्तों देखने मिलेंगे। सो दूसरा दोस्तों इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही प्रीमियम है, ग्लास बैक यूज किया गया और जो साइड के मेटल से वो भी काफी ज्यादा प्रीमियम लगते हैं। सो उस अगर आपको एक प्रीमियम फील वाला फोन चाहिए, आपको एक फ्लैगशिप लेवल का फोन दोस्तों हाथ में आप पकड़ेंगे तो आपको वो फील आएगा। सो वंस अगेन अगर आपको एक प्रीमियम फील वाला फोन चाहिए तो आप आराम से ये Nord 2 ले सकते हैं। और तीसरा दोस्तों जो है इसका वॉप चार्ज, सो इसका जो चार्जिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेटर है Realme X7 Max से। तो अगर आपको 15 मिनट में अगर फुल डे का चार्ज मिल जाता है तो दोस्तों पावर बैंक वगैरह कैरी करने का कोई झंझट इसमें नहीं रहता है। और अब बात कर लेते हैं कि Realme X7 Max कहाँ पे बेटर है OnePlus से। तो सबसे पहला तो दोस्तों टच सैम्पलिंग रेट, रिफ्रेश रेट तो खैर उसका है ही 120Hz, जो कि 90Hz से ज़्यादा है, लेकिन टच सैम्पलिंग रेट भी इसका डबल है, जो कि आपके डे टू डे यूज़ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपको दिखने वाला है Nord 2 से। सो टच सैम्पलिंग रेट इसका काफ़ी ज़्यादा बेटर है। दूसरा इसमें आपको दोस्तों एक स्टेनलेस स्टील चैम्बर मिलता है कूलिंग के लिए। सो जो OnePlus 9 था उसमें दोस्तों हीट इश्यूज बहुत सारे आए थे, OnePlus Nord 2 में भी ऐसा कोई कूलिंग चैम्बर नहीं दिया गया, तो वो एक एक्स्ट्रा आपको Realme में मिल जाता है, तो आप गेमिंग वगैरह ज्यादा देर तक भी खेलेंगे तो हीट इश्यूज इसमें आपको नहीं आने वाले हैं। दूसरा दोस्तों काफी ज्यादा लाइट वेट है Nord 2 से, भले ऑन पेपर 10 ग्राम दिखता है, लेकिन जब इसका होल्ड फील देखेंगे या ग्रिपिंग फील देखेंगे तो काफी लाइट वेट आपको मिलने वाला है, काफी कंफर्टेबल आपको ये लगेगा Nord 2 के मुकाबले। ऑब्वियसली प्रीमियम लुक आपको Nord 2 देगा, इसमें प्रीमियम लुक नहीं आता बिकॉज ऑफ दी पॉलीकार्बन बैक। और जो फाइनल जो मैं पॉइंट बोलूंगा दोस्तों कि सबसे बड़ा डिफरेंस मुझे जो लगता है वो है कि 3.5 mm जैक आपको Nord 2 में नहीं मिलता है। अब OnePlus Nord 2 में भी दोस्तों ऐसा नहीं कि वाइड ईयरफोन नहीं लगेगा, आपको एक एक्सटेंशन मिलता है USB से लेके सॉरी टाइप सी से आपको ऑक्स केबल का एक एक्सटेंशन मिलता है, लेकिन उसमें साउंड क्वालिटी वगैरह का थोड़ा फर्क आ जाता है और आपको एक अलग से एक्सटेंशन कैरी करना पड़ता है और उसके खोने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सो आपने देखा दोस्तों कहां पे कौन सा फोन जीत रहा है या कहां पे कौन सा फोन एक लेवल अप है। सो फाइनली वर्डिक्ट अगर मैं दूं दोस्तों, Realme X7 Max का 8GB वेरियंट और OnePlus का 8GB वेरियंट में 3000 का डिफरेंस है दोस्तों। मैं पर्सनली एक कैमरा के लिए सिर्फ 3000 रुपए एक्स्ट्रा देना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे Realme X7 Max में काफ़ी ज़्यादा अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं, स्पेशली द टच सैम्पलिंग रेट एंड द 3.5 mm जैक। सो नाउ इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंस कि आपको क्या चाहिए बेटर। अगर आप गेमिंग बहुत ज़्यादा टाइम तक खेलना चाहते हैं सो आपको Realme X7 Max की ओर जाना चाहिए,
क्योंकि उसमें कोई भी हीट इश्यूज वगैरह नहीं आएगा और सैम्पलिंग रेट उसका ज्यादा है। और दूसरा, अगर आपको दोस्तों कैमरा पसंद है, आपके कैमरे के लिए फोन लेना चाहते हैं, तो वंस अगेन आप नॉट 2 की ओर जा सकते हैं। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं पर्सनली 3000 रुपए एक्स्ट्रा देना पसंद नहीं करूंगा नॉट 2 को। सो मेरा जो पिक रहेगा वो रियलमी एक्स सेवन मैक्स रहेगा। और दूसरा दोस्तों, अभी सेल भी आने वाली है, तो वन प्लस नॉट 2 पे मुझे नहीं लगता कि कार्ड्स पे इतने ज्यादा ऑफर मिलेंगे, वेर एज रियलमी एक्स सेवन मैक्स पे आपको 3000 तक का डिस्काउंट दोस्तों मिल सकता है कार्ड के ऊपर। सो ये आपको कुछ 24000 में पड़ सकता है। और अगर रियलमी वन प्लस नॉट 2 पे भी डिस्काउंट आया तो मुझे लगता है 1500 तक का डिस्काउंट रहेगा, तो कुछ वो आपको 28500 का मिलेगा। तो यहाँ पे जो गैप है दोस्तों सेल के टाइम पे, वो 4500 का हो सकता है। तो अगर इतने गैप आप सिर्फ एक कैमरा और एक प्रीमियम बिल्ड के लिए देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। मेरा पर्सनल पिक रहेगा रियलमी एक्स सेवन मैक्स। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको दोनों में कौन सा फ़ोन अच्छा लगा और आप कौन सा फ़ोन बाय करेंगे।